मैंने वही कही गई बढ़िया मैं चले तो नहीं पढ़ाई को कहीं भागी भर की भला आप सब दुआरे पर गए। 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें स्पाइन कार्ड इंजरी का मैं पेशेंट और मैं हिल भी नहीं सकता, और 2019 में भी इसलिए मैं वोट भी नहीं डाल सका था, लेकिन 2024 में चुनाव आयोग का बहुत अच्छा पहल देखने को मिला। चुनाव आयोग के द्वारा मेरे घर पे आके मुझसे मेरा वोट डलवाया गया, इसके लिए मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो वोट डालने की हार्दिक इच्छा मेरी थी लेकिन हम जा नहीं पाते, चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की कि वोट हम अपना डाल दिए। इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुँचाएंगे। बढ़िया अच्छे से पड़ गया, परेशानी नहीं भा जा नहीं पड़ा, अरे जाए पड़ो तो मर जाए। मेरी दादी चल नहीं पाती है, वो 99 साल की है, वो हम लोग से बातचीत करते समय हमेशा पूछती रहती थी कि वोट कब पड़ेगा। आज चुनाव आयोग की टीम हमारे घर पे आई और दादी का वोट लिया, आज दादी बहुत खुश है कि उन्होंने आज वोट दिया है। जनपद गोंडा में हमारी टीम होम वोटिंग के लिए जो बनाई गई थी उनके द्वारा आज हर उस प्राउड वोटर तक पहुंचकर, हर उस दिव्यांग मतदाता तक पहुंचकर उनकी होम वोटिंग सुनिश्चित की, और इस पूरे कार्यक्रम में लगी हुई टीम से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो साझा हुए हैं, वो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। मतदान की आस छोड़ चुके मतदाताओं ने चुनाव आयोग को दिल से धन्यवाद कहा।